हेलो दोस्तों, आज हम एज ग्रुप के बारे में जानेंगे कि कितने साल के बेबी के लिए कितना हमें मेजरमेंट रखना है अपनी ड्रेस का। तो आइए सबसे पहले हम अपना चार्ट दिखा देते हैं आपको। यहाँ पे हमने ये एज ग्रुप लिखा है। यहाँ पे राउंड चेस्ट है हमारा, यहाँ पर राउंड वेस्ट है हमारा, यहाँ पर शोल्डर है और यहाँ पर वेस्ट लेंथ है, यहाँ पर राउंड हिप है, यहाँ पर टॉप लेंथ है और यहाँ पर स्लीव लेंथ है। यहाँ पे हमने एज दी है अपने चार्ट में, 0 से 6 मंथ के लिए है, 6 से 1 ईयर के लिए है, 1 से 2 ईयर के लिए है, 3 ईयर के लिए है, ये 4th ईयर के लिए है, ये 5 ईयर के लिए है, ये 6 से 7 ईयर के लिए है, ये 8 से 10 ईयर के लिए, 11 से 12 ईयर के लिए। तो आइए अब हम इनका मेजरमेंट लिखेंगे कि किस ईयर के लिए कितना मेजरमेंट हमें लेना है। तो आइए सबसे पहले हम 0 से 6 मंथ के लिए बताएंगे आपको। 0 से 6 मंथ के लिए हमें जो राउंड चेस्ट रखनी है वो 19 इंच रखनी है, जो राउंड वेस्ट है वो भी हमें 19 इंच रखनी है, क्योंकि जो छोटे बच्चे रहते हैं वो चेस्ट और वेस्ट उनकी बराबर होती है। शोल्डर 8 इंच ही हम लेंथ रखेंगे, जो हम वेस्ट लेंथ रखते हैं वो भी हम 8 इंच रखेंगे। राउंड हिप 19 इंच, जो हम टॉप लेंथ रखेंगे वो हम 14 इंच रखेंगे, 14 इंच, और जो स्लीव्स लेंथ है हमारी वो हम रखेंगे 4 इंच। ये हुआ हमारा 0 से 6 मंथ के लिए मेजरमेंट। अब हम रखेंगे 6 से 1 ईयर के लिए, उसके लिए हम राउंड चेस्ट रखेंगे 22 इंच, राउंड वेस्ट रखेंगे 19.4 4 इंच, शोल्डर रखेंगे 8.4 इंच, सिक्स मंथ से 1 ईयर के लिए 22 इंच चेस्ट ली है राउंड चेस्ट, राउंड वेस्ट हमने 19.4 लिया है, शोल्डर हमने 8.4 लिए हैं, वेस्ट लेंथ भी हमें 8.4 लेनी है। और जो राउंड हिप है वो हमें 20 रखने हैं, 20 इंच। जो टॉप लेंथ है हमारी वो हमें 15 इंच रखनी है, स्लीव्स लेंथ है वो हमें 4 इंच रखनी है। अब हम आएंगे 1 से 2 ईयर, उसके लिए हम राउंड चेस्ट लेंगे 22 इंच, और जो राउंड वेस्ट लेंगे वो 20 इंच, शोल्डर लेंगे हम 8.4 इंच, वेस्ट लेंथ लेंगे हम 8.5 इंच, राउंड हिप लेंगे 22 इंच, टॉप लेंथ रखेंगे हम 16 इंच, स्लीव लेंथ रखेंगे हम 5 इंच। अब हम 3 साल के बेबी का बताएंगे आपको मेजरमेंट। चेस्ट 22 इंच, राउंड वेस्ट है 20.4 इंच, शोल्डर है हमारे 9 इंच, वेस्ट लेंथ 9 इंच, राउंड हिप 23 इंच, और जो हम टॉप लेंथ रखेंगे वो हम 17 भी रख सकते हैं और 18 भी रख सकते हैं।
और स्लीव्स लेंथ 5 इंच। अब हम 4 ईयर का बताएंगे आपको। 4 ईयर में राउंड चेस्ट 23 इंच, राउंड वेस्ट 21 इंच, शोल्डर 9.4, वेस्ट लेंथ भी 9.4, राउंड हिप 24.4 इंच, और जो टॉप लेंथ रखेंगे वो 19 भी रख सकते हैं और 20 भी रख सकते हैं। स्लीव्स लेंथ 6 इंच। अब हम आपको 5 ईयर का बताएंगे। राउंड चेस्ट 25 इंच, राउंड वेस्ट 22 इंच, शोल्डर 10 इंच, वेस्ट लेंथ 10 इंच, राउंड हिप 25.5 इंच, टॉप लेंथ हम 24 भी रख सकते हैं और 25 भी रख सकते हैं। और स्लीव्स लेंथ 7 इंच। अब हम आपको 6 से 7 ईयर का बताएंगे। 6 से 7 ईयर्स के लिए राउंड चेस्ट 25 इंच, वेस्ट राउंड वेस्ट 23 इंच, शोल्डर 10.4, 10.4 इंच, वेस्ट लेंथ भी हम 10.4 इंच रखेंगे, राउंड हिप 26.4 इंच, टॉप लेंथ 26 भी रख सकते हैं और 27 भी रख सकते हैं। स्लीव्स लेंथ 7 इंच। और अब हम आपको 8 से 10 साल के बेबी के लिए बताएंगे मेजरमेंट, जिसके लिए हमने चेस्ट है हमारी, इसमें हम 25 भी रख सकते हैं और 28 भी रख सकते हैं, क्योंकि कोई बच्चा हेल्दी होता है और कोई बच्चा थोड़ा पतला होता है, इस वजह से आप चाहे तो बेबी का मेजरमेंट भी ले सकते हैं, या इस मेथड के हिसाब से बनाएंगे तो आप 25 भी ले सकते हैं राउंड चेस्ट और 28 भी ले सकते हैं। राउंड वेस्ट 24 इंच या 25 इंच, शोल्डर 10.4 भी ले सकते हैं और 12 इंच भी ले सकते हैं, 10.4 इंच, 12 इंच, वेस्ट लेंथ भी आप 10.4 ले सकते हैं या फिर 12 इंच ले सकते हैं, राउंड हिप 26 इंच या 30 इंच भी ले सकते हैं, टॉप लेंथ 26 इंच या 30 इंच भी ले सकते हैं, स्लीव्स लेंथ 7 इंच या 8 इंच भी ले सकते हैं। अब हम 11 से 12 ईयर के लिए मेजरमेंट बताएंगे। राउंड चेस्ट 30 इंच, राउंड वेस्ट 25 इंच, शोल्डर 13.4 इंच, वेस्ट लेंथ भी 13.4 इंच, राउंड हिप 33 इंच, टॉप लेंथ 30 इंच, स्लीव्स लेंथ
8 इंच। तो ये हमारा मेजरमेंट हुआ 0 12 ईयर के बेबी तक का। अब मैं आपको इसमें कहाँ पे मैं राउंड चेस्ट लेनी है, कहाँ पे राउंड वेस्ट लेनी है, शोल्डर लेने हैं, वेस्ट लेंथ रखनी है, राउंड हिप रखने हैं, टॉप लेंथ रखनी है, स्लीव्स लेंथ रखनी है, ये मैं आपको एक बार अपनी ड्राफ्टिंग में समझा देती हूँ। ये हमने अपना चार्ट तैयार कर लिया है। आइए मैं आपको पेपर पे एक बार इसकी ड्राफ्टिंग करके दिखा देती हूँ। ये हमने पेपर लिया है आपको ड्राफ्टिंग समझाने के लिए, जो भी मैंने एज ग्रुप बताए हैं, और ये मैं पेपर पे जो मैं आपको समझाऊंगी इसके अकॉर्डिंग आपको जिस भी साइज के बेबी का ड्रेस बनाना है वैसे आप कटिंग कर लीजिए। और एज ग्रुप मैंने आपने चार्ट में दिया है, एज ग्रुप आप उसमें से देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर को अपने फोल्ड कर लेंगे। जिस तरह हम फैब्रिक कट करते हैं उसी तरह आज हम पेपर कट करेंगे चार तह में। सबसे पहले हम अपने शोल्डर रखेंगे, शोल्डर का हम हाफ लेंगे। ये हमने शोल्डर का हाफ इसलिए लिया है क्योंकि हमारे दोनों शोल्डर में एक इस साइड आ जाएगा और एक इस साइड आ जाएगा। बीच में हम नेक लेंगे, ये हम चेस्ट का 12वां भाग रखते हैं नेक के लिए। यहाँ पर आर्म होल हम उतना रखते हैं जितना हमने यहाँ लिया है शोल्डर का हाफ। और हाफ इंच इसमें हम प्लस करते हैं, हाफ इंच हम इसमें इसलिए प्लस करते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हाफ इंच की शेप डालते हैं इस तरह। यहाँ से हम अपनी चेस्ट का 4th भाग रखेंगे। और जो हमने वेस्ट लेंथ बताई है, वेस्ट लेंथ हमारी यहाँ होती है, ये हमारी वेस्ट लेंथ है। यहाँ से हम अपना 4th भाग लेंगे वेस्ट का। और जो हमारी टॉप लेंथ होती है वो हमारी फुल होती है, जितना हमें टॉप की लेंथ चाहिए उसको हम टॉप लेंथ कहते हैं। जितना हमने यहाँ गैप दिया है चेस्ट में और वेस्ट में उतना ही हम नीचे हिप के लिए रखेंगे। यहाँ पे हम अपने राउंड हिप रखेंगे, उसका 4th भाग लेंगे। और जो हमारी टॉप लेंथ है वो हम इसमें फुल जितना हमारा पेपर है उतनी ही रख लेंगे। तो जितना हमने हिप के लिए रखा है उतना ही हम अपनी लेंथ में जो लेंथ होगी उसका रखेंगे। और अब हम इसकी यहाँ से इस तरह शेप कर देंगे। इस तरह हमने इसकी शेप दी है। और जो हिप लाइन है और नीचे का है यहाँ पर हम सीधा रखेंगे। जो हमें फिटिंग देनी है, अपनी फिटिंग करनी है, वो हमें केवल हिप लाइन से ऊपर करनी है फिटिंग, और नीचे हम सीधा रखेंगे। यहाँ पे आर्म होल के लिए हम जो बेबी है हमारा उसके लिए हम 1 इंच रख लेंगे और 1 इंच पर गोलाई कर देंगे इस तरह। नेक जितना हमने यहाँ लिया है नेक उतना ही हम यहाँ रखेंगे क्योंकि छोटे बच्चे का बनाएंगे तो अगर हम ज्यादा बड़ा नेक रखेंगे तो बड़ा लगेगा। तो जितना हमने यहाँ से चेस्ट का 12वां भाग लिया है उतना ही हम यहाँ पर रखेंगे। फ्रंट में हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रख सकते हैं लेकिन बैक में हम उतना ही रखेंगे। ये हुई हमारी ड्राफ्टिंग, अब हम इसकी कटिंग कर देंगे। ये फ्रंट है तो फ्रंट में हम थोड़ा बड़ा रखेंगे 1/2 इंच, तो ये मैंने अलग से 1/2 इंच कट कर दिया है।
अब मैं आपको बताऊंगी कि राउंड हिप किसे कहते हैं, राउंड वेस्ट किसे कहते हैं, राउंड चेस्ट किसे कहते हैं। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। इन दोनों को जब हम मिला देंगे इस तरह सिलेंगे तो ये हमारा इस तरह से लेके और यहाँ तक ये हमारा राउंड यानी कि गोलाई में फ्रंट और बैक को जब हम मेजरमेंट करते हैं बॉडी से तो हमारा ये राउंड हो जाता है। तो यहाँ से और यहाँ तक इस तरह हम अगर इसको गोलाई में लेंगे तो ये हमारी होगी राउंड चेस्ट। और इसी तरह हम यहाँ पर और बैक में राउंड वेस्ट, इसी तरह राउंड हिप हमारे, इसको हम राउंड बोलते हैं। दोनों दोनों साइड की मेजरमेंट को हम राउंड बोलते हैं। तो इस तरह हम अपना बॉडी का मेजरमेंट लेंगे और इसको हम राउंड बोलते हैं। ये शोल्डर का हाफ एक साइड इधर आ गया है और एक साइड इधर आ गया है हमारा, और बीच में हमारा नेक आ गया है। इस तरह मैंने आपको अपना चार्ट बना के दिखाया है और उसके अकॉर्डिंग मैंने अपनी ये ड्राफ्टिंग और कटिंग की है। तो आप इसी तरह जो भी आप जिस भी एज का आपको अपने बेबी का बनाना है तो आप उसमें से देख लीजिए कि कौन सी एज का क्या मेथड है, और इस तरह आप अपनी ड्राफ्टिंग करें पेपर पे, फिर आप अपने फैब्रिक पे इसको कट करें। अगर आप पहले पेपर पे कट करेंगे और फिर बाद में फैब्रिक पे कट करेंगे तो हमेशा आपका ओके होगा, कभी आपका गलत नहीं होगा। अगर गलत होगा तो पेपर पे होगा। तो पहले आप हमेशा कोशिश कीजिए कि पहले आप पेपर पे ही कट करें, उसके बाद अपने फैब्रिक पे कट करें। आप इसमें अखबार का पेपर भी ले सकते हैं और इस तरह का भी पेपर ले सकते हैं। आइए अब हम इसकी स्लीव्स बताएंगे आपको। स्लीव्स के लिए हम ये पेपर फोल्ड कर लेंगे। ये हमने पेपर फोल्ड कर लिया है अपना। चेस्ट का फोर्थ भाग रखेंगे और उसमें हम -1 कर देंगे, 1 इंच कम कर देंगे। यहां से हम अपनी लेंथ रखेंगे। ये हमने यहाँ पे अपनी लेंथ रख ली है और अब हमें करना क्या है कि ये यहां से हम इस तरह जो गोलाई करेंगे, जितना हमने इतना नेक रखा है 12वां भाग उतना ही हम यहाँ पर रख लेंगे, क्योंकि जो यहाँ पे हम गोलाई करते हैं वो हम 12वें भाग से करते हैं चेस्ट के। तो यहाँ से हम इस तरह लेंगे और इसको यहाँ मिला देंगे 12वें भाग पर। और आगे से हमें जितनी गोलाई रखनी हो उतनी रखेंगे, 1 इंच प्लस करेंगे उसमें सिलाई के लिए, और इसको यहाँ से इस तरह मिला देंगे। और जो हम 1/2 इंच की शेप उसमें देते हैं तो इसके बीच का हम 1/2 इंच बीच में 1/2 इंच ऊपर की साइड बढ़ाएंगे इसको, और यहाँ से कोने से इस तरह लेंगे और इसको हम यहाँ इस तरह मिला देंगे। तो ये हमारी 1/2 इंच की शेप आ जाएगी। हाफ इंच की शेप हम एक साइड ही करते हैं। तो इस पेपर को इस तरह खोल लेंगे स्लीव्स को अपनी, ये इस तरह हमारी 1/2 इंच की शेप आ गई है। इसमें सेम मेथड हमारा बड़ों के लिए भी है। जिस मेथड से मैंने ये बेबी का आपको मेजरमेंट समझाया है और ड्राफ्टिंग समझाई है, स्लीव समझाई है, सेम मेथड हम बड़ों के लिए भी इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह आप अपने जिस भी एज का बेबी है आपका 12 ईयर तक, तो उस अब मेरे मैंने जो चार्ट बनाया है उसमें से आप एज ग्रुप देख लीजिए। इसी तरह मैंने आपको ड्राफ्टिंग समझाई है, इसी तरह आप ड्राफ्टिंग करेंगे, स्लीव्स की कटिंग इस तरह करेंगे और आप ड्रेसेस बना सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।